छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा था, लेकिन तब भी पार्टी को सफलता नहीं मिली। और तो और, पूर्व सीएम भूपेश बघेल तक अपना चुनाव हार गए। उनके हार में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव की खास भूमिका रही। लोकसभा चुनाव में जब पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से टिकट दी गई, तो ये कहा जाने लगा था कि यहां से जीतकर भूपेश बघेल पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के गढ़ को भेदेंगे। मगर भूपेश बघेल की हार तो राजनांदगांव शहर ने ही तय कर दी है। राजनांदगांव विधानसभा से ही भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे को 57,000 से भी ज्यादा की लीड मिली। यही लीड भूपेश बघेल को मोहला मानपुर में मिली 39,000 की लीड को भरने में निर्णायक साबित हुई। आइए समझते हैं इस गणित को। राजनांदगांव में जीत हार का गणित। राजनांदगांव विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे को सबसे बड़ी बढ़त मिली। संतोष पांडे को 108,657 वोट मिले। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को 50,991 वोट मिले। संतोष पांडे को 57,666 वोट की बढ़त मिली, जिसने दिलाई जीत। मोहला मानपुर विधानसभा में भूपेश बघेल को मिली थी 39,000 की बढ़त। बीजेपी के मंत्री और विधायक वाले अन्य विधानसभा क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम है बढ़त। पंडरिया में तो पिछड़ गए हैं भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे। यहां के पंडरिया, कवर्धा, राजनांदगांव में है भाजपा के विधायक। खैरागढ़, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खुज्जी, मोहला मानपुर कांग्रेस के कब्जे में है। पहले प्रदेश में भी इनको न करें, और कारण ये कि इन्होंने बहुत ही द्वेषपूर्ण सौतेला व्यवहार किया है राजनांदगांव के साथ भी और पूरे क्षेत्र की जनता के साथ। सब जानते हैं जितना सट्टा इन्होंने और भगवान महादेव को बदनाम कर दिया, सट्टा खिलाया। आज कोल में बड़े बड़े आईएएस अधिकारी अंदर है, सौम्य चौरसिया अंदर है। कुल मिलाकर के ये स्वतंत्र भारत में और किसी प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री इतना बदनाम यदि कहीं कोई हुआ हो और छत्तीसगढ़ को बदनाम कर दिया, ऐसे ये भूपेश बघेल थे, सबका फायदा मिला है। कवर्धा के विधायक का, पंडरिया के विधायक का और हमारे आदरणीय है, बहुत फायदा राजनांदगांव से मिला है। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर सत्ताधारी भाजपा को कड़ी टक्कर देने की रणनीति बनाई थी, लेकिन अंतर विरोध के चलते कांग्रेस के मंसूबे धरे के धरे रह गए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की हार कांग्रेस के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। रायपुर से INS 24x7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।